हाउ टू ब्लॉक एड फ्रॉम एंड्रॉयड स्मार्टफोन। दोस्तों क्या आप इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो? बिकॉज दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप कुछ चीज़ सर्च करते हो, कुछ चीज़ आप ब्राउज करते हो या फिर आप कोई सा भी ऐप खोलते हो, देन अचानक आपको पॉपअप करके कुछ इस तरह का आपके सामने एड्स वगैरह आ जाती है, जो कि शायद से दोस्तों 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, मतलब हर बार वो एड्स आते रहती है, जो जल्दी दोस्तों जाने का नाम ही नहीं लेती है, जो कि दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। देन दोस्तों आज मैं एक ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ जी दोस्तों, एक ऐसा सेटिंग जो आपके फ़ोन के अंदर है, जो कि दोस्तों अगर आप उसे एक्टिवेट कर देते हो देन आपको कभी भी एड्स परेशान नहीं कर सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड चले करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि आपके फ़ोन के सामने ही मेरा होम स्क्रीन आ चुका है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि किस सेटिंग को एक्टिव करना है या किस सेटिंग को डीएक्टिवेट करना है, जिससे हमारा जो एड्स है वो ब्लॉक हो जाए, पूरी तरह से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए सिंपली से आपको करना क्या है, उसके लिए सिंपली से सबसे पहले आपके फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली से सर्च बार में जाना है एंड आपको वहाँ पे लिखना है प्राइवेट डीएनएस। क्या लिखना है दोस्तों? प्राइवेट डीएनएस। प्राइवेट डीएनएस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे पे आप देख रहे हो मेरा प्राइवेट डीएनएस आ चुका है, तो सिंपली से मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे साइड में प्राइवेट डीएनएस मेरा ऑफ दिखा रहा है, तो सिंपली सबसे पहले हमें इसे कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऑफ है, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम, तो सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ नीचे होस्ट नेम में जो है मेरा लिखा हुआ dns.edgar.com, तो सिंपली से आप सैमची dns.edgar.com वहाँ पे लिख दो। एंड लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आराम से इसे बस आप सेव कर दो। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका ऐड बिल्कुल ही आपके फ़ोन से बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, अब आपको एड्स देखने को नहीं मिलने वाली है। बट दोस्तों एक बात मैं एक डिस्क्लाइमर दे दूँ आपको छोटा सा, कभी कभी होगा क्या जो इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद कभी कभी आपका कुछ वेबसाइट्स वगैरह आपके फ़ोन में नहीं चलेगी, तो उस सिचुएशन में आप क्या करना, यहीं पे आना एंड इसे बस डीएनएस को आप ऑफ कर देना। जब उस वेबसाइट से काम हो जाए तो आप उसे बंद करके फिर से आप इसे इनेबल कर देना, तो आपको ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलने वाली है। सो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना, बिकॉज दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।